नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्र नाम मोबाइल डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, हम आज आपको बताने वाला है कि कोली समाज का इतिहास क्या है। हमारा जो कोली समाज है उसका इतिहास क्या है, आइए जानते हैं कोली समाज का इतिहास। ठीक है, कोली समाज एक ऐसी जाति है जिन्हें भारत में कोली कोरी कोले कहा जाता है। यह भारत की मूल मूल निवासी हैं और यह भारत की भूमि पर बस चुके हैं। एवं मूल निवास युद्ध में हार जाने से इनको स्विच्चा का अधिकार छीन लिया था, तभी से इन्हें अलग अलग जातियों में बांटा गया है, जैसे कोली कोरी कोल्हे कुली ठाकुर आदि के रूप से। प्राचीनतम में राजा मानदाता एक सर्व परिश्रव सर्वभूमिक राजा थे जिनका प्रताप जिनका प्रताप भारत में सर्वतंत्र था और जिनके सूर्य योगों की कथाएं मोहन जोदड़ो के शिला लेखों पर अंकित थी। वह कोली जाति के थे। सन 1857 की शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम में झलकारी बाई ने झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जी के प्राण बचाए थे। प्राण बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि उनकी करीबन साथी थी। वह कोरी जाति की थी। कोरी समाज ने कई देश के बेटे बेटियों दिए। कोरी समाज ने देश को कई बेटे और बेटियां दी है, जो कि इनकी शिक्षा का सर्व भूमिका का महत्व प्रासंगिक तथा आज भी आधुनिक जीवन में भी है। इस जाति के लोग आधुनिक बिहार विवाह से बटे हुए हैं, लेकिन मुख्यतः ये हिंदू है। लेकिन अपने पूर्वा जीवात को कुछ हद तक जारी रखे हुए है, ताकि कोलावा का नाम संभवतः इन कोलियों के नाम पर है। और 20वीं शताब्दी में इनकी जनसंख्या लगभग 650,000 थी। सबसे बड़ा कोली समूह महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में रहता है। कोली जाति को कृषक एवं मजदूर के रूप में जाना जाता है। भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म महाराज मानदाता के बाद 25वीं शताब्दी में हुआ था। और श्री राम इच्छावाकु सूर्यवंशी के वंश में थे। उसके बाद यह वंश मानदाता और श्री राम इच्छावाकु जो वंश आता है सूर्यवंश उसके थे उसमें से थे। बाद में इस वंश को 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 9 भागों में। पहला भाग है मल जनक विद्रोही कोली है मौर्य लिच्छवी जनत्री वाजी शाक्य यह 9 वंश में मानदाता इच्छावाकु सूर्यवंशी के थे। उनकी अब उत्तराधिकारी
पंक्तियों में सूर्यवंशी कोली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन वेद महाकाव्य और अन्य अवशेष में मानधाता के उत्तराधिकारियों की युद्ध कलाओं में राज्य प्रशासन उनकी महत्वपूर्ण योगदान बताया जाता है। प्राचीन संस्कृति की पुस्तकों में इन्हें जाति को कुल्या, कुलिये, कोली, श्रप, कोली, कोलिक, कौल आदि कहा जाता है। कोली समाज वह समाज है जिसकी अपनी माता मुंबा देवी जो हो कोली समाज की पहले से माता जी थी मुंबा देवी। मुंबा देवी के नाम से मुंबई माता की स्थापना, मुंबई माता की स्थापना कोलियों ने की थी, अपनी माता मुंबा देवी थी उसके नाम से मुंबा देवी की नाम से स्थापना की। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोली समाज बस रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा होने के कारण इन कुछ जातियों में परिवर्तन हुआ है, जैसे क्षत्रिय कोली, कोलीराज, कोली राजपूत, कोली सूर्यवंशी, नागर कोली, कोली महादेव, कोली पटेल, कोली ठाकुर, बोराय ठाकरडा, पथनाय पथनावाड़िया, मोइन कोली, कोयरी मंदता पटेल। भारत यह मूल वासी है। कृषि भूभाग और समुद्री तट क्षेत्री पर ही यह निवास करते हैं। जनगणना में 10,040 से अधिक उपसमूह कोली कहा जाता है। गुजरात में एक मुस्त रूप से रहने वाले कोली जाति के लोग मुंबई के प्रतिवर्ष ट्रस्टविल मनाते हैं, जो जहां बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जैसे 30,000 की मात्रा में लोग आकर सिर्फ़ फुट का आनंद लेते हैं। ये हमारी विभिन्नता हमारी जातियों को मिलकर अखंड राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम लोग अपनी जाति को धर्म परिवर्तित करके एक नया भारत का विकास करें। जातियों और धर्म के उपनाम से अपनी पवित्र भूमि को रक्त रंजित ना करें और हम सब मिलकर संसार में भारत का गौरव बढ़ा सकते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय मानदाता, जय कोली समाज। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, कमेंट करें। जय कोली समाज, जय मानदाता, धन्यवाद।